वो दाल तड़का है वो है $10 की। सारा का सारा खाना आ गया, क्या क्या खा रहा हूँ ये बताता हूँ। और इसके साथ में ये है एक बाइक ट्रेल, पूरा भर गया टायर। बाइकिंग का एक अलग ही मजा आज करने जा रहे हैं, ह्यूस्टन देखने जा रहे हैं। घूमते घामते पहुंच गए यूनिवर्सिटी में, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको टच नहीं करना था, पता नहीं टच क्यों कर लिया मैंने। काउच सर्फिंग का एक और एक्सपीरियंस शुरू हो गया है और मैं हूँ इस वक्त अपने काउच सर्फिंग होस्ट के घर पर ह्यूस्टन में। Everybody calls me Shawnee. This is my house and I love hosting couch surfers. ये है HOV lane, special lane. Rush hours होते हैं, यानी जब peak time होता है तब बता रही हैं शॉनी की उस तरफ बहुत ज़्यादा traffic होता है और यहाँ पर लोग धड़ाधड़ धड़ल्ले से निकल जाते हैं जैसे अभी हम जा रहे हैं। I think it's going to be a little low for you. All right, I'm just locking up the house. Okay. So, आज का जो मेरा मिशन है वो है ये। आज मैं जा रहा हूँ बाइकिंग करने के लिए। शॉनी मेरी होस्ट हैं और उनके साथ में मेरे साथ में एक और दोस्त हैं, एक होस्ट हैं और एक और दोस्त हैं। उनका नाम है जेरी, अभी उनसे मिलवाता हूँ। याद आता है मेरे को ये साइकिलिंग करते हुए कौन सी जगह थी वो, क्या कंट्री थे, चेक रिपब्लिक में एक छोटा सा एक टाउन था वहाँ पर जो मेरे होस्ट थे काउच सर्फिंग वाले होस्ट, उन्होंने भी कहा था हमारे साइकिल ले जाओ घूमो जहाँ घूमो। और भी बहुत सारे ऐसे होस्ट, चियांग माई में जो अमेरिकन होस्ट थे उन्होंने भी अपनी साइकिल दे दी थी। और यूनिवर्सिटी मैं एक्सप्लोर कर रहा था, चियांग माई यूनिवर्सिटी। बाइकिंग का एक अलग ही मजा आज करने जा रहे हैं, ह्यूस्टन देखने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं बायू। यहाँ साउथ अमेरिका के साउथ में, यूएसए के साउथ में मेरे ख्याल से शायद इनको बैक वाटर्स कहा जाए। और इसके साथ में ये है एक बाइक ट्रेल, ट्रेल है, पैदल चल लो या साइकिल चला लो, बट हाँ कार या स्कूटर्स अलाउड नहीं है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अरे हाँ सर, कुत्ते भी चला सकते हैं। एक भाई साहब आ रहे हैं अपने कुत्ता चलाते हुए, क्या बढ़िया लग रहा है GoPro से शूट करना, मज़ा आ रहा है। अरे यार पूरा भर गया टायर। बिहार के ज़िला मुंगेर में ये पार्क है, मैं बिहार पहुंच गया हूँ साइकिल चलाते चलाते। साइकिल्स वहाँ पार्क कर दी हैं, बड़े भारी भारी लॉक्स हैं उनके पास में। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हमारा चश्मा भीग गया है, बहुत सारी बूंद आ गई है देखो।
घंटे घंटे पहुँच गए यूनिवर्सिटी में, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन पता नहीं, इधर दोस्त इधर होस्ट, और बस ऐसे ही यहाँ एक फाउंटेन है बड़ा प्यारा सा, ज़बरदस्त सा, अच्छा लग रहा है। बस साइकिल चला रहे हैं पिछले दो घंटे से, दो ढाई घंटे से, बीच में एक जगह गए थे। आज सैटरडे है तो ये ज़्यादा स्टूडेंट्स पता नहीं कोविड की वजह से नहीं है या शायद कोविड की वजह से नहीं है, सैटरडे का दिक्कत है। यूनिवर्सिटी से अब हम यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बस है और मेट्रो है जो पटरियों पर चलती है, जिसको हम ट्राम बोल सकते हैं, स्ट्रीट कार्स यहाँ बोलते हैं ह्यूस्टन में, मेट्रो टिकट ले रहे हैं और ये साइकिल लेके सवार होंगे इसमें। पता नहीं आपके काम की ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं, लेकिन इनकी मेट्रो की ऐप भी है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क का मैप है, अच्छा साफ सुथरा सा है, साफ सुथरा तो होगा ही, खैर अमरीका जो है ये, और अच्छी बात ये साइकिल अलाउड है। तो मास्क को आप पहन के जरूर जाना है अगर आप अंदर जा रहे हैं मेट्रो में। तो ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, शानी ने पूछा सैंडविच खाओगे, ज़रूर खाऊंगा, हम सारे सैंडविच खा रहे हैं और वो खा रही है चेरी टमाटो। ट्रेन में सवार हो गए, सैंडविच बाकी था, थैंक यू मास्क, तो पहली बार बड़ा अच्छा लगा, पूरा मुंह भरा हुआ था मेरा। साइकिल यहाँ पड़ी है हमारी, जनाब यहाँ खड़े हैं और मोहतरमा वो वहाँ पर हैं उस तरफ, एक कोच में दो बाइक्स जा सकती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ चढ़ा ली अपनी, और वो जो मोहतरमा हैं वो शानी वो वहाँ पर हैं। वाकई बहुत अच्छा कोच है, मैं पर टच नहीं करना था, पता नहीं टच क्यों कर लिया मैंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोविड। टाटा स्टेशन आ गया थिएटर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी, अपनी अपनी साइकिल उठाओ और चलो। थैंक यू सर। क्या बढ़िया यार ये, पहुंच गए डाउनटाउन और मेरे दोनों पार्टनर्स आगे निकल गए हैं, अब मेरी बारी है। मस्त कॉन्सेप्ट है, 1866 फोन करो और आपको वो
जवाब मुझे सुनने को मिलेगा वो बेसिकली गाइड है. Really nice, and you don't have to pay anything. It's, no. It's a free audio tour. Mm-hmm. Really nice. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. The Heritage Society mm-hmm. at Sam Houston Park. This is the organization. They are okay. All right. They organize this the guided tour as well. Perfect. ये तो भाई पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं जीवन में. देखा ही था अभी तक यूट्यूब वीडियोस में या टीवी पे या बट जो भी है कसूता है. By the time change, free time, Eastern time, time after time, mountain time, wrong time, time saver, time up, time honored, high time. इतनी खुश मिजाज, इतनी जिंदा दिल हैं ये, शॉनी. बहुत ही मेरे ख्याल से मेरे अभी तक के काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस में ये बेस्ट होस्ट रही है. दो या तीन दिन के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था लेकिन टाइम एक्सटेंड करना पड़ा और उसके लिए भी तैयार थी जबकि इनके बेटे का जन्मदिन है कल. और ऐसे में ना वही ग्रैटिट्यूड अपना इनको दिखाने के लिए कुछ समझ में नहीं आता. कोई तोहफा कोई उपहार या कुछ भी समझ में नहीं आता कैसे दिया जाए. खैर मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ, इनकी हेल्प करता हूँ बहुत सारे कामों में. मुझे जो मन करता है जो मेरे को लगता है करना चाहिए वो मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं. बट एक बात है, दुनिया खूबसूरत है और हम जैसे घुमक्कड़ों के ट्रिप्स मुमकिन हो पाते हैं तो इन जैसे इंसानों की वजह से. बहुत बहुत शुक्रिया शॉनी. शॉनी के साथ मैं वापस आ गया हूँ एंड इनको मैंने धन्यवाद कई बार बोल दिया. सही है, आई थैंक यू अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड अगेन थैंकिंग यू. एंड नाउ वी आर कुछ तो ये जगह है जहाँ पर बहुत सारी इंडियन चीज़ें हैं. हम लोग इंडियन खाना खाने के लिए जा रहे हैं यहाँ. ह्यूस्टन एक्चुअली अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है. तीसरा मेरी जो होस्ट हैं उनके हिसाब से न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और उसके बाद में शिकागो और ह्यूस्टन में अक्सर लड़ाई होती रहती है. लड़ाई नहीं मतलब चलता रहता है तीसरे नंबर पे कौन. और जब मैं बड़े शहर की बात करूँ यानी आबादी यहाँ पर इंडियंस की काफ़ी सारी है. मैं जिस इलाके में हूँ ये है महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर इंडियन खाने की और इंडियन रेस्टोरेंट्स की और इंडियन चीज़ों की बहुत सारी भरमार है. मैं जब आ रहा था मैंने देखा इतने सारे नाम, साड़ी भी बिक रही है यहाँ पर. मैं आपको दिखाऊंगा तब आप
तो क्या अभी एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ मैं और इतने दिनों के बाद में ये सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने पूछा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ ऑर्डर किए। पीने की जब बारी आई तो मैंने जब ड्रिंक्स में देखा, मैंने कहा फलूदा ज़रूर खाऊंगा, फलूदा यहाँ पर है। तो आज कई दिनों के बाद मैं फलूदा ट्राई करने वाला हूँ। और उसके अलावा उन्होंने तो सबसे पहले दाल तड़का अपने लिए ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मैं भी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं शेयर करेंगे, तुम कुछ और मंगा लो। सो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ पनीर मखनी मसाला और देखते हैं जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे। फिलहाल ज्ञानी दा फलूदा अभी आने वाला है। वो दाल तड़का है वो है $10 की, दाल मखनी भी $10 की है। दाल नहीं, दाल पनीर मखनी नहीं, सिर्फ पनीर मखनी वो है $12 का। जो मैंने फलूदा अभी ऑर्डर किया है वो कहाँ गया, $6 का है। और बहुत सारी नाना प्रकार की चीज़ें हैं। दाल जब आप ऑर्डर करेंगे तो चावल के साथ मिलेगी। ये हमारे इंडियन ढाबों और इंडियन रेस्टोरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब हमारे यहाँ पर सिर्फ दाल दाल की कीमत होती है ना, चावल आपको अलग से देना पड़ता है। यहाँ पर ये वेजिटेरियन स्पेशलिटीज़ सर्व विथ प्राइस। ये मैं स्पेसिफिक इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि ये सारे और जो रेस्टोरेंट्स हैं सब में ऐसा होता हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट दिस इज़ थोड़ा सा अलग है। सारा का सारा खाना आ गया, क्या क्या खा रहा हूँ ये बताता हूँ। इधर हैं बासमती चावल, उधर हैं पकौड़े, इधर है पनीर मखनी, पनीर मखनी है ऐसे कुछ था, दाल मखनी नहीं है, पनीर मखनी है कुछ। और ये है दा नान, बटर नान, ये फलूदा। और शौनी के पास में है दाल तड़का। ये तो दिनों के बाद इंडियन खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया।